चलिए बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूँ एक धांसू सवाल और, जिसको करने का बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत आसानी से इसका आंसर ले आओगे और इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने के लिए बहुत मिलेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर लेता है और जो बचा यानी कि शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है और जो बचा उसका 10% शिक्षा पे खर्च कर लेता है, और ये सब खर्च करने के बाद भी उसके पास 5,400 रुपये बच जाते हैं, तो बताओ उसकी मासिक आय क्या थी। तो इसको हम करने के लिए ऐसे करते हैं बच्चों, मासिक आय जो है कितनी बचेगी, 100 बटे आपको क्या करना है, जो भी ये बच रहा है भोजन पे खर्च कर रहा है 20%, तो 100 में से 20 घटा दो, 80 आ जाएगा, गुणा फिर 100 ही लिखना आपको, और बटे में अब 100 में से 25 को घटाना है जितना उसने खर्च किया है, तो 100 में से 25 गए 75, और गुणा अब इसने 10% खर्च किया है तो 100 बटा 100 में से 10 गए 90, और गुणा जो भी उसने बचत की 5,400 रुपये, इन सबको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 6 54, और भाई 2 या 6 और 2 चौक 8, 4 से काट दो 25 और 25 से काट दो 75, 25 या 75 और 3 से 3 काट दो, बराबर 10,000 रुपये उसकी आय हो गई। देखो कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, जिनका लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।